गुरु रामदास बादशाह गुरु नानक की चौथी जोत बख्शिश कर रहे हैं मेरे शाह ये मेरे पातशाह ये मेरे मालक ये मेरे वाहिगुरु जो सुख तेरे दर्शना विच है ना वो किते भी नहीं। बोलो श्री मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए इना सुख हमरी बेदन तू जानता मेरे अंदर दिया ये मेरे वाहिगुरु तू ही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। हमरी बेदन तू जानता शाह और क्या और कोई नहीं जान सकता कि मेरे अंदर दी पीड़ा की है मेरे अंदर दी वेदना की है। हर दर्शन को मेरा मन बहुत तप्त है जो त्रिखा वंत बिन नीर जिन्हें मछली तड़प दी है बगैर पानी तो जिंदा नहीं रह सकती क्योंकि उसका जीवन उसका सारा कुछ पानी है। जो मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावे बूंद बेहूणा चात्र को क्यों कर तृप्तावे नाद कुरंकै बेदया सनमुख उठतावे पवर लोभी कुसम बास का मिल आप बंधावे। इहो जे गुरु नानक दे प्यारे ने त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावे। बोलो श्री इहो जी प्यास किते लग जाए ते जीवन किते आनंदित ना हो जाए इहो जी भुख लग जाए केड़ी भुख साचे नाम की लागे मेरे शाह है हर दर्शन सुख होए हमरी बेदन तू जानता शाह और क्या जाने। हे निरंकार मेरे अंदर दी पीड़ा नू अंदर दी वेदना नू हे निरंकार तेरे तो अलावा और कोई नहीं जान सकता। बस मेरे अंदर दी वेदना यही है अंदर दी प्यास यही है कि तेरा दीदार हुंदा रहे। बोलो श्री आओ प्यार नाल इन्हां बचना नू पढ़िए। मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए मेरे शाह जाने को
मेरे प्यारे जो पावे जो
सब तुझे आवे मेरे साथ। हमेशा एक वचन असी करते हाँ इस गुरु नानक के घर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के घर कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो वो साढ़े अंदर है। पातशाह ते कह रहे हैं सबना की तू आस है मेरे प्यारे तुझे त्याएं वेद कतेबा सन करें गणती गणी न जाई तेरे दर्पण। सब जाचक असी सारे जाचक हाँ असी सारे मंगते हाँ असी सारे भिखारी हाँ ते देन वाला एक दाता है। सब ना जिया कहा एक दाता सो मैं उसर न जाए। गुरु रामदास पातशाह हरिमंदर साहिब थोड़े जे मन वृत्तियां श्री हरिमंदर साहिब लै जाओ थोड़े जे नेत्र बंद करो ते करो दर्शन गुरु रामदास पातशाह जी दे बोलो श्री जिथे बाबे बुढ़े की बेर है ना इतने छोटा जहा बच्चा बैठा से कुछ टोकरी विच पा के गुरु रामदास पातशाह जी संध्या के समय सेवा समाप्त करके वापस अपने महलों में जान लगे तो बाबे बुढ़े की बेर के कोल इस बच्चे को देखिया तो सतगुरु कोल आ गए। जो कोल सतगुरु ने देखा तो झटपट बच्चा उठ के सतगुरु के चरणों से कह पे मत्था टेक सतगुरु पुछते ने काका इतने की कर रहे हैं। आखन लगा साहब जी इतने मैं दुकान लाई है। बोलो श्री आखन लगे अच्छा दुकान लाई है विक्री हो जाती जी पातशाह सेवा चल रही सी पातशाह मेरा भी आने दो आने चार आने वटे जाते हैं। सतगुरु कहन लगे तेरा नाम की है। पातशाह जी मेरा नाम सोमा है। सतगुरु आखन लगे होर घर कौन कौन है। पातशाह एक माँ है अम्मा है बस पिता नहीं है। छोटा जहा बच्चा 10 साल की उम्र सतगुरु के मस्तकल देखते हैं तो मेरे पातशाह किसी सहज विच कुछ क्षणा वास्ते सतगुरु पहुंच जाते हैं आंदे ने पुत्र फिर दस तेरा नाम की। आखन लगे महाराज मेरा नाम सोमा हला ये दस ध्यान देना सत्संग अज तेरी दुकान चली है एक बार सारे आखो सतनाम दुकान चली है तेरी। आखन लगे जी पातशाह किन्नी बिक्री हुई है। आखन लगे अठाने। सतगुरु कहन लगे सोमिया विक्री ते फिर बहुत होई है तू इंज कर ये सारी विक्री अज सानू दे दे असी अज गुरु नानक दे लंगर च पा देने। बोलो श्री ध्यान नाल वचन सुनिया जे सतसंग हुण इस बच्चे ने यह नहीं सोचा सतगुर सारी माया लै जाएंगे कल नू की करांगे।
झटपट वो सारी माया कढ़ी मेरे सतगुर सच्चे पातशाह दे हंस कंबलां दे विच रख दित्ती। सतगुरु ने माया कमर कसे च पाई ते प्यार दे के चल पए अगे। ये बच्चा घर पहुंचिया, अम्मा इंतजार पई करदी सी, पुत्र आ गए, अम्मा जी आ गए, पुत्र आज किन्नी विक्री हुई है। आखन लगे अम्मा विक्री तो हुई सी बड़ी अज, पर अम्मा घबरा गई, पुत्र कोई खो के लै गई कितने डिग पे नहीं, की घर आए। अम्मा ना डिगे ने ना गुआचे ने ते ना कोई खो के लै गया, फिर पुत्र कितने नहीं, विक्री कितने ही। आखन लगे अम्मा अज ना गुरु रामदास पातशाह जी आए सन ते मेरे को अज वो विक्री वो लै गए ने। बोलो श्री ना, अम्मा दे अखां च हंजू आ गए। ये पता की आंदी है, पुत्र मैं सदके जावां तेरे, मैं बलियारी जावां, बार बार पी चुगदी है पुत्र, पुत्र एडा चंगा काम कीता, इन्ना चंगा, इन्ना चंगा, पुत्र तैनूं पता है तू अज की कर रहा है। अम्मा मैनू नहीं पता, हुण निक्का जिहा बच्चा उहनूं की समझ है। अम्मा मैनू नहीं पता, ये काम अच्छा सी, पातशाह ने मेरे को मंगिया मैं दे दिता, पुत्र तू बड़ा कुछ दे आया है, पता नहीं सतगुरु ये बदले तैनू की दिंदा है। बोलो सरे, कल जरूर जाई, कुछ होर थोड़ा बहुत समान पिया सी वो लैके टोकरी भर के फिर पहुंच गया। उस तरह संध्या के समय सतगुर फिर आ गए, परिक्रमा करते हुए सोमे ने देखा सतगुर आए ने, दो कदम अगे जाके चरणा ते मत्था टेकिया, सतगुर पुछते ने सोमिया अज दुकान चली, आखन लगे जी पातशाह दुकान चली है, कितनी विक्री हुई है। आखन लगे जी 6 आने। फिर सोमिया फिर अज की भी विक्री लंगर च पा दई जी पातशाह, वो भी विक्री दे छड़ी। ये नहीं सोचिया कल की बनेगा, अज का मनुख तो कल की सोचता है, पता नहीं की होना है। ते कल ते नाम ही काल दा है। बोलो श्री, मनुख एवें सोची जाता है, एवें व्योत बनाई जाता है, साल बदी असी सारे व्योता ही बनाई जाने होंगे। नैक्सट मंथ ये करना है, अगले मंथ ये करना है, नैक्सट ईयर ये करना है, असी सारे बनाने। मैं भी थोड़े नाल शामिल हाँ, मैं कोई वक्रा नहीं, मैं भी तो कलयुगी जीव हाँ। गुरु नानक ने ड्यूटी लगाई है, मनुख व्योत की व्योत बनाई जाता है, व्योत की व्योत बनाई जाता है, पर यह नहीं पता मत के सा आवे के ना आवे राम। बोलो सिरे, पता नहीं मुड़ के सा भी आना कि नहीं आना। दूजी बारी देख के अम्मा कोल पहुंचे, अम्मा इंतजार कर रही थी, ते दूरों ही आती है, पुत्र छेती दस अज की होया। अम्मा अज की विक्री भी गुरु रामदास पातशाह लै गए ने। बोलो श्री, उठ के गल ना ला लिया, रो पई, खूब रोई अम्मा, पुत्र सदके जावा तेरे, कुर्बान जावा, बलिहार जावा, पुत्र मैनू अज माण हो गया तेरे जे पुत्र नू पैदा करके। बोलो श्री, कितना प्यार, वो भी गुरु नाल, अपने साहिब नाल, अपने पातशाह दे नाल। तीसरा दिन समान थोड़ा जा रह गया, पर अम्मा ने दिलासा दिता, पुत्र को बनाना नहीं, जाना जरूर है। पहुंच गया सतगुर, फिर पहुंच गया, अज थोड़ा जा मायूस बैठा है। सतगुरु ने आके सिर पे हाथ रखे, सोमिया
अज दुकान चली जी पातशाह अच चार आने रह गए ने बोलो श्री अठ आने छे आने चार आने हो गए ते पातशाह पता की कहिंदे ने सोमिया की गल है विक्री घट गई है सोमा पता की कहिंदा पातशाह जड़ी दुकान जो समान कढ़ी जाइए मुड़ के पाइए ना ते विक्री ते कटनी है ना जी बोलो सिरे किते प्यार नाल बड़ी भोली जी रसना दे नाल ये बचन गुरु रामदास पातशाह नूं सोमे ने कह दिता ते मेरे सतगुर प्रसन्नता दी हद मुक गई प्यार दी हद मुक गई दयालता दी हद मुक गई पर आख्या कुछ नहीं चले गए बोलो सिरे चौथा दिन हुण समान कोई नहीं दुकान बंद हो गई पर अम्मा पता की कहंदी है पुत्र जाई जरूर कोई गल नहीं जे समान मुक गया ना ते कोई गल नहीं ते गुरु रामदास पातशाह ये आखण ना कि सोमिया अज मैनू तेरी लोड़ है ते तू ही सतगुरु कोल चला जाई बोलो श्री मां दी कुख सफल हो जाएगी तेनू जमया सफल हो जाएगा तेनू जन्म दिता सतारछा हो जाएगा मां दी लिपट गया मां नाल पहुंचया बैठा है मायूस बैठा है क्योंकि विक्री नहीं सी अज मैं गुरु नूं की देंगा पर मां दे अखर याद सी मां दे बोल याद सी गुरु रामदास पातशाह फिर आ गए सिर नीवा पा के बैठा सी गुरु ने दोवें हाथ सोमे दे सिर ते रख दिते बोलो श्री इन्नी सारियां बख्शां इन्नी सारी कृपा सतगुरु ने पहले ही कर दी दोवें हाथ सोमे दे सीस ते सिर ते रख दिते सोमिया सावधान जो मेरा वाला हाथ चढ़दी कला वाला हाथ रहमत वाला हाथ सतगुरु का हाथ सीस ते पिया ना बस जो ही अखा खुलिया मस्तक गुरु के चरणा ते रख दिता बोलो श्री साहब पुछते ने सोमिया अज विक्री हुई है अच्छा हुण ते दुकान बंद हो गई है मेरे पातशाह कहिंदे ने ओ सोमिया कि की प्याख ने अज तो तेरे राज भाग शुरू होए ने बोलो सिरे सोमिया नेड़े आवे ना हुण ये नजारा दूर खलोती अम्मा भी देखदी पई है रोई जाती है जार जार रोई जाती है कि आज मेरे गुरु ने जो सोमे नू दे देना है ना वो शायद ही किसी कोल होवे इंतजार विच सी इस गल दी उड़ीक विच सी अम्मा मेरे पातशाह ने सोमे नू अपने सीने दे नाल ला के ना घुट के गलबकली च लै के पता की कहिंदे ने सोमा सोमा शाह गुरु का शाह वे प्रवाह बोलो सिरे इन्हीं सारिया बख्शा इन्नी सारी कृपा इन्नी सारी रहमत सतगुरु ने कर दिती वो सोमा फिर गुरु रामदास पातशाह कोल रहा उदी शादी हुई उदी अंश विचों राजे महाराजे पैदा होए ते आज भी शाह खानदान दे नाल ओ अखवांदे हन ते कृपा मेरे गुरु रामदास पातशाह जी दी बोलो श्री पढ़ो सारे मेरे शाह Ah
साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का कोटान कोट धनवाद। आप सारिया संगतों का बहुत 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 प्रसन्नता। कहावत बनी आई है, देर आए दुरुस्त आए। चलो भावें 6 साल बाद ही आए हैं, पर तुहाडा प्यार तुहाडियां आशीसां दास कोल हमेशा ही हैं, हमेशा ही हैं। बहुत बहुत धनवाद मेरे बहुत ही प्यारे वीर भाई साहब भाई सुखिंदर सिंह जी रंगीला, उन्होंने साहबजादे जो अजकल बड़ी बुलंदियों छू रहे हैं। तो साड़ी अरदास है सतगुर सच्चे पातशाह जी के चरणों में इन्हों होनहार बच्चों सतगुरु होर भी तौफीक बख्शे। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की आसीस होवे। असी सारे ही मिल के इन्हां कोलों कीर्तन श्रवण करते रहिए। असी तो हुण अगां को तरांग वाली गल हो गई है, किन्ना क समां रह गया ये तो कोई पता नहीं। 60 क्रॉस कर गए हैं तो अगे हुण सच्चा पातशाही मालक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सतगुर की अपार रहमत है, आप जी के दर्शन करन दा सुभाग समां मिलिया है। सो एक बारी फिर मुबारक देंदा होया साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दियां प्रकाश उत्सव की खुशियां विच सारे ही गुरु प्यारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। फुल चुक दी शमा सारे असीस बख्शो प्यार सहित फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।